खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रही है, जहां गत दिवस ओवर ब्रिज के नीचे एक महिला विक्षिप्त हालत में मिली थी, जिसे एनजीओ संचालिका के द्वारा प्रशासन की मदद से उपचार के लिए मानसिक वार्ड संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने उक्त महिला को अच्छे उपचार के लिए ग्वालियर भेजने का निर्णय लिया, जिसके लिए महिला बाल विकास रेडक्रॉस के द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए रेडक्रॉस के द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और उक्त अज्ञात महिला को ग्वालियर रेफर किया गया है। महिला का हालचाल जानने पहुंचे अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ मानसिक रोगी वार्ड की विभाग अध्यक्ष से हमने बात की तो उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह से कोई भी अज्ञात पुरुष या महिला मिले उसे मानसिक वार्ड में पहुंचाएं, जिसे अच्छे उपचार के लिए अच्छी सुविधा के साथ ग्वालियर भेजा जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं उक्त महिला को उपचार की व्यवस्था करवाने वाले अधिकारी और चिकित्सकों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हाँ, चमौती। कहाँ से आई हैं? चमौती आई कहाँ से है? घर कहाँ है? घर दवाई करवा रहे हैं। यहाँ दवाई कराने आई हैं? हाँ। कोई है घर पे आपके? हाँ। कौन कौन है? बेटा बेटी है दोनों वहाँ। अच्छा, घर कहाँ पे है आपका? नहीं घर खबर कंतो। गांव का नाम क्या है आपके? गांव का ससिला। गांव का नाम क्या है, पता क्या है? गांव का नाम दुबौली। दुबौली से आई हैं? घर जाना चाहती हैं? हाँ, दुबौली घर है। आप भटक गई हैं क्या? मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। एक महिला जो फ्लाईओवर के नीचे प्राप्त हुई थी, जिसे सुदिशा फाउंडेशन और एडीएम साहब ने मिल करके यहाँ पर उसको भेजा था। उसका कई दिनों से इलाज चल रहा था, अब उसको मानसिक रोग चिकित्सालय ग्वालियर भेजा जा रहा है और मैंने हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है ताकि वो पहुंच सके और वन स्टॉप सेंटर ने उसमें बहुत हमारी मदद की है, धन्यवाद। हाँ, ये अज्ञात महिला एनजीओ के द्वारा और महिला बाल विकास के द्वारा यहाँ पे उपचार हेतु लाई गई थी और ये मानसिक रूप से बीमार थी, जिनको हमारे चिकित्सालय में उपचार दिया गया। इनको आगे के उपचार के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा रहा है और हमारी यही आमजनों से अपील है कि कोई भी अगर आपको लावारिस व्यक्ति दिखता है और वो अगर वो मानसिक रोगी है तो निश्चित रूप से आप संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय में उसको ला के उपचार हेतु मिल सकते हैं, धन्यवाद। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक मानसिक रोग विभाग। हमारे मैं डॉक्टर निमिषा मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष मानसिक रोग विभाग। ये अज्ञात महिला को महिला एवं बाल विकास द्वारा मानसिक रोग विभाग लाया गया, जहां पर इसका उपचार किया गया है और उपचार के बाद में इसको मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। आप सभी का एक तो धन्यवाद और आप सभी से अपील है कि अगर इस प्रकार के कोई भी अज्ञात महिलाएं अगर मिलती हैं या पुरुष मिलते हैं तो उसको इस प्रकार से हम आरोग्यशाला रेफर कर सकते हैं और इसमें आप सभी हमारा सहयोग दीजिए, धन्यवाद। ये एक महिला हम लोगों को मिली थी सिरमौर ब्रिज के नीचे, जिसे सुदिशा फाउंडेशन की निशा जायसवाल यहाँ तक लेके आई थी और फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब और डॉक्टर मैडम का काफ़ी इसमें सहयोग रहा। उनको तुरंत हमारी वन स्टॉप की टीम ने इस चीज़ को कवर किया और वन स्टॉप की टीम ने एडीजे सर के यहाँ से एक आदेश करवाया, जिसके बाद से जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए हमारी टीम यहाँ से आज उस महिला को उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्वालियर के बड़े हॉस्पिटल में, बड़े मानसिक चिकित्सालय में भेज रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस ने काफ़ी सहयोग किया है, वन स्टॉप सेंटर ने काफ़ी सहयोग किया है, प्रेस और मीडिया के लोगों ने, आप सभी लोगों ने इस काम को बहुत अच्छे से लिया है और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम ने भी इसमें सहयोग देते हुए उपस्थित हुई हैं। मैं पूरी टीम को इस अच्छे काम के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। केवल एक विकल्प है, केवल एक विकल्प